वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एसएसटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। वी ऑल वेलकम यू टू एसएसटी एडुपीडिया, अ प्लेस वेयर यू विल फाइंड ऑल द वीडियो लेक्चर्स ऑफ योर सब्जेक्ट एज वेल एज योर स्टैंडर्ड। मायसेल्फ धीरज पारवानी, काफ़ी टाइम पहले हमारा एक वीडियो अपलोड हो चुका था, दैट वॉज फॉर 11th साइंस मैक्स पेपर 1 चैप्टर नंबर 1 एंगल एंड इस मेजरमेंट। आज उसी का ही हम लोग कंटिन्यूशन करेंगे, दैट इज पार्ट 2। तो इसके अंदर जो हम लोग पहला डिस्कस किए थे उसको थोड़ा सा एक रिविजन देते हैं। तो एंगल एंड इस मेजरमेंट में हमारे लिए एक नया मोड पड़ा था, दैट इज रेडियन। आप लोगों ने ऑलरेडी एक मोड देख चुके थे आपके 10th स्टैंडर्ड में डिग्री, हम लोग यहाँ पे एक नया मोड पढ़े थे, दैट इज रेडियन। तो हम लोगों ने इसके कन्वर्जन फॉर्मूलाज देखे थे कि अगर डिग्री और रेडियन होगा तो कन्वर्जन कैसे किया जाता है। तो इनकेस अगर आपको डिग्री टू रेडियन जाना है तो आपको उसके लिए कन्वर्जन फॉर्मूला था मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, एंड अगर आपको रेडियन टू डिग्री आना है तो आप इसका रिवर्स करोगे और फॉर्मूला हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई। इसी के साथ हम लोगों ने दो चार क्वेश्चंस देखे थे, जहाँ पे पहले दो क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था कि पहले वाले में डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था, नेक्स्ट वाले में रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करने बोला गया था। उसी के साथ हम लोगों ने एक सम देखा था जहाँ पे हमें एक एंगल रेडियन में दिया था और एक एंगल डिग्री में दिया था और हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करने बोला था ट्राइंगल का। तो आज उसी सम को थोड़ा सा और ब्रीफ अप करके रिविजन करते हैं उसके नेक्स्ट सम के साथ। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, तो बोला है टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन आर 5π/9 एंड 5π/18 रेडियन, फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। अगर आपको याद रहेगा तो हम लोग ने ये जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज की थी, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या थी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसके अंदर तीनों चीजें किस में होनी चाहिए थी, 180 डिग्री है सामने, तो इसके लिए ये तीनों चीजें होनी चाहिए थी डिग्री में। बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल ए डिग्री में नहीं दिया हुआ है, तो मैं मानता हूँ पहला वाला जो एंगल है 5π/9, लेट दैट बी इक्वल्स टू मेजर एंगल है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेडियन में दिया है, तो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू डिग्री, तो इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई किया है। ऊपर का पाई कैंसिल, नीचे का भी पाई कैंसिल, ऊपर से 180 बाय 9 है तो टेबल लगेगा 9 का, तो 9 2 18 और बाकी बचता है 20। तो द आंसर कम्स आउट टू बी 5 × 20 और फाइनल आंसर हो जाएगा 100 डिग्री। सिमिलरली अगर आप 5π/18 देखोगे, वो भी रेडियन में दिया है, तो वी कांट यूज दैट डायरेक्टली, तो उसको मैं एंगल बी नाम देके उसको कन्वर्ट करता हूँ सेम प्रोसीजर से। तो मेजर एंगल बी हो जाएगा 5π/18 मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई। तो अगर वापस टेबल लगाओगे तो 18 1 18 10 सा डायरेक्ट 180 आता है, तो इट इज 5 × 10 दैट इज 50 डिग्री। नाउ आई नीड टू फाइंड द थर्ड एंगल, तो फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, तो यूजिंग फॉर्मूला मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ब्रीफ अप करता हूँ आपको, 10th स्टैंडर्ड में आपने फॉर्मूला पढ़ी थी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे मेजर एंगल ए का वैल्यू आप पुटअप करोगे 100, मेजर एंगल बी आप पुटअप कर रहे हो 50, मेजर एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ इफ यू विल ऐड 100 प्लस 50 इट कम्स आउट टू बी 150, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 150 दैट इज 30 डिग्री। बहुत सारे लोग यहीं पे छोड़ देंगे सम को, बट आप लोग क्वेश्चन वापस पढ़िए तो उसने बोला है फाइंड द डिग्री एंड द रेडियन मेजर ऑफ द थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल का डिग्री मेजर आपको मिल चुका है 30 डिग्री, यू नीड टू फाइंड द रेडियन मेजर एज वेल। तो ये जो डिग्री में मिला है आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रेडियन में कन्वर्ट। तो डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, ऊपर 30 नीचे 180, 0 0 कैंसिल होगा, लास्ट में 3 का टेबल, तो 3 18 को लगेगा 6, तो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसका डिग्री वैल्यू इज 30 डिग्री एंड इसका रेडियन वैल्यू इज पाई बाय 6 रेडियन। होपफुली आपको ये सम समझा होगा। आइए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 1.1, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो पहला वर्ड पढ़ते हैं इसमें बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है कि एक ट्राइंगल को जब आप राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं तो वो नॉर्मल ट्राइंगल से अलग हो जाता है, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल में बचपन से हमने पढ़ा है कि एक एंगल 90 होना कंपलसरी है। तो दिस इज अ हिंट कि आपको एक एंगल की वैल्यू दी है डायरेक्टली 90 डिग्री। तो आगे पढ़ते हैं, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो पहला कंडीशन के हिसाब से पढ़ लेंगे, तो एज पर द गिवन कंडीशन एंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे एंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है तो एंगल ए मैं बोल सकता हूँ 90 डिग्री, एंगल ए बोल सकता हूँ 90 डिग्री, और बाकी आगे दिया है द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो यहाँ पे आपको रेशियो दे दिया है कि जो बाकी दो एंगल्स बचती है वो 4:5 में होती है, तो बाकी जो एंगल्स है उसको मैं मानता हूँ बी और सी, और वो 4:5 के रेशियो में दी हुई है। तो आप लोगों को याद होगा तो जब भी रेशियो का सम होता था तो आप एक कॉमन मल्टीपल अज्यूम करते थे, जिसको आप लोग के नाम देते थे, कोई कोई एक्स नाम देता था, तो मैं यहाँ पे उसको एक्स नाम देके यूज करूंगा। तो नेक्स्ट आएगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, रेशियो बाकी दोनों एंगल्स के लिए, तो एंगल बी हो जाएगा 4x और एंगल सी हो जाएगा आपका 5x।
अभी ये हो गया आपका ए बी सी, तीन एंगल्स मिल गया। फॉर्मूला तो आपका सेम ही है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की जगह पे वैल्यू पुटअप करूंगा 90, एंगल बी की जगह पे 4x, एंगल सी की जगह पे 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैक्स हमेशा सेम वैल्यूज के बीच में इंटरचेंज होता है, मतलब जो आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे हमेशा सेम वैल्यूज के बीच में। तो यहाँ पे नंबर नंबर के साथ होगा, तो 180 के पास 90 चला जाएगा तो इट वुड बी 180 माइनस 90, उसका वैल्यू 90 आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे 4x प्लस 5x ये दोनों ऐड होगा तो हो जाएगा 9x, तो 9x इक्वल टू 90, जिसमें से अगर 9 डिवाइड में आ जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका 10 डिग्री। अभी आपको x नहीं पूछा गया, आपसे पूछा है बाकी दो एंगल्स कितनी है और वो दोनों एंगल्स आपको डिग्री और रेडियन में पूछे। तो आइए पहले एंगल बी निकालता हूँ। तो एंगल बी निकालने के लिए आप लोगों ने ऊपर देखा था इट इज इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ पे 4 इंटू एक्स का वैल्यू पुटअप करूंगा, एक्स का वैल्यू है 10 डिग्री, तो 4 इंटू 10 आंसर आता है 40 डिग्री। ये आ गया डिग्री में, इसको मुझे रेडियन में भी चाहिए, तो 40 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल होगा, 4 को 2 का टेबल और 18 को भी 2 का टेबल, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 9 रेडियन। उसी के साथ एंगल सी भी आएगा आपका 5x, तो 5x मतलब 5 इंटू 10 दैट इज 50 डिग्री। इसको रेडियन में भी आंसर चाहिए तो आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 50 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल, बाकी 5 और 18 को कोई कॉमन टेबल नहीं लगती, तो वहां पे डायरेक्टली आपका आंसर आएगा 5 पाई बाय 18 रेडियन। नेक्स्ट 1.1 में ही आगे चल रहे हैं हम लोग, पहले 9 सम करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 ये ही सम के बात करेंगे हम लोग। द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। यहाँ पे तीनों एंगल्स के लिए रेशियो दे दिया गया है, फाइंड द मेजर्स इन डिग्री एंड रेडियन। तीनों एंगल आपको मालूम करनी है कि डिग्री में है और रेडियन में कितना वैल्यू है उनका। तो अभी जैसे ही आप रेशियोज वर्ड देखते हो तो आपका पहला पहला स्टेटमेंट आना चाहिए, लेट द कॉमन रेशियोज बी एक्स कॉमा बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, ये हमारा स्टेटमेंट होता है। तो मेजर एंगल ए क्या हो जाएगा, मेजर एंगल ए हो जाएगा 3x, मेजर एंगल बी हो जाएगा 7x एंड मेजर एंगल सी हो जाएगा 8x। अगेन फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए का वैल्यू पुटअप करूंगा 3x, बी का वैल्यू 7x एंड सी का वैल्यू 8x इक्वल्स टू 180। अगर आप ऐड करोगे 3 प्लस 7 कम्स आउट टू बी 10, 10 प्लस 8 इज 18, सो 18x इक्वल्स टू 180, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10 डिग्री, ये मुझे आंसर मिल गया। बट मुझे x नहीं पूछा था, मुझे पूछा था कि तीनों एंगल्स कितने हैं तो कैसे निकालेंगे। तो मेजर एंगल ए अगर आप देखोगे तो इट इज 3x, यानी 3 इंटू 10 दैट इज 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को रेडियन में भी कन्वर्ट करना है आपको, तो 30 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल होता है, ऊपर 3 का टेबल डायरेक्टली 3 वनजा और नीचे 18 को 6 जा, तो इट इज पाई बाय 6 रेडियन। मेजर एंगल भी इज 7x 70 डिग्री, तो 70 इंटू पाई बाय 180। 0 0 कैंसिल, 7 पाई बाय 18 रेडियन। और लास्ट में मेजर एंगल सी 5x, तो इसको आप करोगे तो इट वुड बी 80 डिग्री, दैट इज पाई बाय 180। मल्टीप्लाई करूंगा ताकि रेडियन में आंसर आ जाए, तो इट इज 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो इसी के साथ 9th सम भी हमारा होता है समाप्त। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8, ये थोड़ा अलग सम है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हर बार वो ट्राइंगल जैसा सम नहीं है, तो इसको वो ट्राइंगल के साथ मत कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो बोला है उसको हम लोग यूज करते जाते हैं। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5π। यहाँ पे आपको दो एंगल्स का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप इसको अज्यूम करोगे, तो मैं बोलूंगा लेट द टू एंगल्स बी एंगल ए एंड एंगल बी। अभी उसका सम बोला है, द सम ऑफ टू एंगल्स, तो इन दोनों एंगल्स का सम, तो एज पर द गिवन कंडीशन द सम यानी उनका प्लस, यानी मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी का सम है 5π रेडियन। बट द प्रॉब्लम इज दैट मेरे को ये रेडियन में नहीं चलता है, बिकॉज हम लोग आदत है डिग्री की, बचपन से डिग्री डिग्री देख रहे, अभी अचानक रेडियन में कैसे होगा। तो मैं ये 5π रेडियन को कन्वर्ट करूंगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई कर रहा हूँ, पाई पाई कैंसिल होता है, बचता है 5 इंटू 180। तो इसका आंसर आ जाएगा कन्वर्टिंग इन डिग्री, सो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इक्वल टू 900 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देता हूँ मैं। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, एंड देयर डिफरेंस, मतलब वही दो एंगल्स का डिफरेंस इज 60 डिग्री। डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एज पर द गिवन कंडीशन बोलूंगा मेजर एंगल ए माइनस मेजर एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अभी ये दोनों एंगल्स मुझे निकालने हैं, तो इन दोनों को अगर आप देखोगे तो दो इक्वेशन आपको मिल चुके हैं। तो ये दो इक्वेशन को आपको कैसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली, तो सॉल्विंग 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली वी गेट मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी, यहाँ पे मेजर एंगल ए माइनस मेजर एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो एंगल बी एक ऊपर प्लस में एक माइनस में वो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एंगल ए प्लस एंगल ए, तो 2 टाइम्स मेजर एंगल ए इक्वल टू 960 डिग्री।
तो टू से डिवाइड हो जाएगा तो मेजर एंगल ए आएगा 480 डिग्री। मुझे दोनों वैल्यू चाहिए ए और बी, तो यहाँ पे ए का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में आइदर वन या टू में पुटअप करूँगा तो मुझे मेरा बी मिल जाएगा। तो मैं ए में पुटअप कर रहा हूँ तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन वन, तो ए की जगह पे 480 डिग्री पुटअप करूँगा तो मेजर एंगल बी, तो ये हो जाएगा 480 प्लस मेजर एंगल बी इक्वल्स टू 900, तो मेजर एंगल बी वुड बी 900 माइनस 480, तो आंसर आ जाएगा मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू 420 डिग्री। देयरफॉर द टू एंगल्स आर 480 डिग्री एंड 420 डिग्री। होपफुली आपको ये सभी समझा होगा। ये ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का एंड है। ओके, एक और सब बचता है जो आपको करना है, बट वो आप लोगों को होमवर्क होगा, और किस तरह से करना है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप वो होमवर्क कर सको। एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन 12th, वन एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर 2π/5 रेडियन एंड द अदर थ्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड द मेजर इन डिग्री एंड रेडियन। भाई और बहनों, यहाँ पे एक एंगल आपको दे चुका है 2π/5 रेडियन, एक एंगल दे चुका है आपको वो, तो इसको आप मेजर एंगल ए बोलोगे और इसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे। साथ ही साथ बाकी तीन का रेशियो आप बोलोगे सर तीन ही तो एंगल होती है, भाई और बहनों ये क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल होती है, तो बाकी तीन का रेशियो दिया है 2:3:4, तो आप इसमें से वापस कॉमन मल्टीपल को एक्स मानोगे और उसके साथ ही आप बी को लिखोगे 2x, सी को लिखोगे 3x और डी को लिखोगे 4x। तो यहाँ पे आप जो सम फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा आप लोगों का क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला। ट्राइंगल के लिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी 180 डिग्री होता है, बट क्वाड्रिलेटरल के लिए मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी प्लस मेजर एंगल डी 360 डिग्री होता है। स्टेटमेंट फॉर्म में अगर आपको याद कराऊं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर ऑलवेज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ पे आप ए को डिग्री मोड में पुटअप कीजिए जो आप लोगों ने कन्वर्ट किया है, और बाकी जो तीन एंगल्स है उसका जो आपका 2x, 3x और 4x होगा वो ऐड करके आप पहले x का वैल्यू निकालिए, फिर आप बी सी डी डिग्री में भी निकालिए एज वेल एज उनको रेडियन में भी कन्वर्ट कीजिए। प्लीज़ ये सब को सॉल्व कीजिए, इनकेस अगर डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट सॉल्व होंगे। सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग अगर आपको चैप्टर पूरी तरह से देखना है तो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस विद SST Edupedia।